हाँ भाई सजावल के भी गुप्त। ओ मीटरां दी रहंदे सदा सुइयां तोड़ दे, ओ यार बेली नाल सारे मुछां मोड़ दे, ओ यारां दे सहारे साढ़े साह चल दे, ते जिथे टुरे काफला ते गां चल दे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे जो खुशी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी हस्तियां बैठी हैं जिनका तारफ मैं थ्रू आउट आगे कराता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ इन्नमा लामाल बिनिया, अमाल का दरवाजा नियतों पर है। तो इसका मकसद बताने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाईजान ने ये जो चौधरी अली साहब है जो कि दरवेश है, तो एक नया ट्रेंड सेट किया है उन्होंने कि अब हमारे माशरे में जो दरवेश टाइप लोग हैं उनके लिए तकरीबन हमारे अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये जो इन्होंने नया ट्रेंड किया है उसके बारे में हमने इनसे सवालात भी करने हैं। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं आज करता चलूँ कि आप अपने इस माशरे में इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हम लोग खाओ थोड़ा सा जिस्मानी मजबूत हो हम लोग उसको दिली मजबूत बना देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरह ये भाईजान बैठे हैं साथ और भाईजान किया करते हैं, तो ये इस माशरे के ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं जिन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि लोग क्या कहें, लोगों की फिक्र किए बगैर इन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया है। और आज आप देख सकते हैं भाईजान को दिखाएं कि ये बंदा इसका कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक कर सकते हैं और ये सारा क्रेडिट इन अजीम लोगों को जाता है। तो इसलिए मुझे इतनी खुशी है कि इन लोगों ने मुझे टाइम दिया और मैं इससे पूरी डिटेल लूँगा कि कहाँ ये चौधरी साहब को और इनके जहन में कहाँ से ये आइडिया आया कि इनको ये स्टार बना देंगे। और आज मैं विदाउट एनी डाउट ये कह सकता हूँ कि ये लोग जो हैं चकवाल के मशहूर तरीन लोग हैं, सच्चे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी नीयत बहुत अच्छी है, इनकी वजह से आप अभी बाद में बहुत सी वीडियोस में भी देखेंगे, टिकटॉक में भी देखेंगे ये ट्रेंड सेट जो है और बहुत से लोग जो हैं वो भाई जैसे लोगों को लेके आए हैं और लोगों की कदर करनी शुरू की है। तो ये सारा क्रेडिट भाईजान को जाता है। अभी हम मजीद जो है वो भाईजान से भी सवाल करेंगे और चौधरी साहब से भी सवाल करेंगे। अभी हम सजावल भाई और दिलदार भाई से चौधरी अली के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने इनको इनसे कब मुलाकात हुई और इनके दिन में ये ख्याल कैसे आया कि आप ये काम स्टार्ट करेंगे। चौधरी साहब जी 4 साल हो गए हमारे साथ हैं माशाल्लाह से, तो हमारे साथ ही रहते हैं, रात गुजार चले जाते हैं, सुबह छोड़ जाते हैं जी। अभी हम चौधरी साहब और भाई साहब से पूछते हैं कि जो आपने टिकटॉक का काम है वो कब से स्टार्ट किया। टिकटॉक मुझे 2-1 साल हो गए बनाते हुए, ठीक है। जो प्रॉपर हमने वीडियोस लगाना शुरू की हैं वो लॉकडाउन में लगाई है, लॉकडाउन जब हुआ है फ्री हो गए तो इस हिसाब की एक्टिविटी लोगों को दिखाई है, तो वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किया, शेयर किया, बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया भी ऐसे बच्चों को आप सामने लाए तो बड़ा लोगों ने पसंद किया, तो अब माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स। और आप देखा होगा कि काफ़ी लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो इस किस्म के लोग हैं साइंस ब्लॉग फैशन करते हैं उनको ले के चाहे वीडियो कीजिए चाहे जिस मर्जी दीजिए ताकि उनको प्रोटोकॉल मिले। जी 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 चेयरमैन चौधरी अली चेयरमैन बताइए जी। ये ऐसी वीडियोस बनती नहीं हमारी, नहीं होती है, कोई फ्रेम नहीं होता, अपनी मर्जी से ये बनाते हैं। ये भी किए तो वहां दूध हुआ रैप हो गया बहुत जल्द ईद आ गई जी। अभी हम भाई से पूछेंगे कि चौधरी साहब की जो रूटीन है उस
और रात को जो साहब 9-10 बजे घर जाते हैं,
सारा दिन चोरी साहब कैसे गुजरता है, पूरी मार्केट हमारी मोबाइल शॉप्स हैं, मतलब एक दुकान से उठता है दूसरी शॉप में चलता है, दूसरी शॉप में चलता है, तीसरे सारे बच्चों साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शाम टाइम जब चोरी साहब थोड़े बोर होते हैं क्योंकि ये एक जगह पर टिक के नहीं बैठते जितनी भी दरवेश लोग हैं, तो वहाँ से निकलते हैं, फिर दिलदार भाई उनको लेके कहीं चले जाते हैं, जो काम है वहाँ से डिनर करवाते रहते हैं। शाम को फिर चोरी साहब बड़ी मुश्किल से घर जब जाते हैं, नौ बजे गाड़ी जाते हैं, दो तीन घंटे बीच में लग जाते हैं, सुबह लाहौर जाते हैं, चोरी साहब आप उतरते हैं घर चले जाएँ, ठीक है इस्लामाबाद आपको लेके जाएंगे सुबह, फिर बहुत मिलने मिलने में चोरी साहब आधे घंटे, कभी दिलदार भाई उनके भी डलते हैं, कभी मुझे, फिर मुझे एक बार याद आ गई चोरी साहब की, भाई हमारे एक चोरी साहब हमारा गांव पहले आता है, फिर चोरी साहब का गांव आता है, चोरी साहब से गांव से आगे फिर एक और बड़ा खूब फिर उधर के हमारे दोस्त थे वो हमारे साथ हैं, हम रमजान की बात कर रहे हैं, हम गए थे इस्लामाबाद रात को, मैं वापस जब लेट हो गए थोड़ा सा, मतलब कि शहरी का टाइम था, दो सवा दो का टाइम बनाए, हम चोरी साहब ने बोला कि मैं पहले थोड़ी देर जाऊँगे तब वापसी को करूँगा, मैंने बोला ठीक है, हम उधर चले गए, हम उधर आगे पहुँचे तो आगे वो शहरी चीज़ें उठाने के लिए ढोल बजा रहे थे, ये गाँव से उनकी बस है, तो चोरी साहब ने बोला कि ये दोनों ढोल बजाएंगे, मैं अगर डांस भी करूँगा फिर वो लुड्डी डालूंगा उसके बाद मैं जाऊँगा, शहरी के टाइम में जनाब चोरी साहब उन्होंने दोनों ढोल जनाब पहले से एक बजाया, नहीं दोनों बजाओ, दोनों ढोल बजे जनाब चोरी साहब ने फिर लुड्डी मारी है शहरी के टाइम पर डांस किया है, हालांकि लोग भी घर से बाहर आके देख रहे थे, बाहर दिन शुरू हो गया, लेकिन साहब चोरी साहब को जानते हैं डांस करते समझते हैं कि प्रवेश करना है, इनके लिए कुछ नहीं है, चोरी साहब के साथ बहुत हमारा प्यार है, चोरी साहब को बना रहा हूँ, साहब खुश नहीं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें बहुत सारे ग्रुप में लड़कियां भी होती हैं, तो ये मैं भाईजान लोगों से सवाल करूंगा कि आपके ग्रुप में लड़की क्यों है? जी सर, भाईजान हमारे ग्रुप में लड़कियां नहीं है क्योंकि ये जो ग्रुप है ये सिर्फ लड़कों का है, तो इसलिए हम अपने ग्रुप में कोई लड़की भी शामिल नहीं करते, और किसी के साथ हम ना वीडियो बनाते हैं और ना ही कोई तस्वीर वगैरह वाला चक्कर है, और इसलिए अगर सजावल भाई ने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि नारा को दूर रहता ही मशहूरा, हम लड़कियों से दूर है तब मशहूर है, जी ये यही कह रहे हैं कि लड़कियों से दूर हैं इसलिए मशहूर हैं, और इनका एक और भी है मेरी जो ऑफ द कैमरा इनसे बात हो रही थी, तो भाईजान यही बता रहे थे कि अगर लड़कियों के साथ हम बनाएं तो वीडियो बनाते हुए मुख्तलिफ लोग इनकी वीडियो बनाते हैं, जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर एक रश होता है, हजूम होता है, तो उसमें फिर वो मुख्तलिफ जो साथ फैमिलीज खड़ी होती हैं उनकी भी वीडियो जो है वो बन जाती है और फिर चढ़ा देते हैं, इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए, हंगामी लोग होते हैं बीच में उनकी वीडियोज चढ़ जाती है, फिर लोग नीचे नेगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है हम खुद मुनासिब नहीं समझते, ठीक है लोग वीक पॉइंट उठा के इशू बनाते हैं ऊपर लिख लिखा के लाइक फॉलोअर के चक्कर में, उनको किसी की इज्जत का कोई, जैसे आजकल टिकटॉक में चल रहा होता है किसी की कोई परवाह नहीं, किसी की इज्जत की कोई किसी को परवाह नहीं, ठीक है चंद लाइक्स और चंद फॉलोअर के चक्कर में भाईजान अपना दीन ईमान बेच रहे हैं, तो इस वजह से हम थोड़े दूर हैं उन कामों से, तो हाँ ज़रूर बनाते हैं, फैमिलीज आएंगे और बच्चों के साथ आएंगे, हम पिक्चर वगैरह ले लेते हैं, वीडियो फिर भी नहीं बनाते क्योंकि फिर उनके लिए इशू बनता है, हमारे लिए इशू कोई नहीं है, हम लगाए वीडियो तो हमारे लिए इशू नहीं है, उनके लिए फिर मसला बनता है। जी एक और सवाल जो कि मुझे दोस्तों ने भी कहा, मैंने खुद भी देखा कि आजकल टिकटॉक पे वज़ीर आज़म सदर और चीफ बने हुए हैं, तो उस बारे में मैं दिलदार भाई से पूछूंगा कि ये क्या जी, यहाँ पे चौधरी साहब कह रहे हैं कि जाके बिलियर्ड खेलना है क्योंकि हमारे शोरूम के नीचे जो है वो बिलियर्ड की शॉप है, तो वो कह रहे हैं कि जाएं। चाचू को पासपोर्ट न करें, सपोर्ट करें, चौधरी साहब कह रहे हैं कि चाचू को सपोर्ट करें और साथ पासपोर्ट करें।